हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने रेडमी नोट 9 प्रो में यहाँ पे जो है वन प्लस 8 के रोम को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि टीटो सर ने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक डेवलपर है, उनका नाम टीटो है, उन्हीं ने इस रोम को बनाया हुआ है। एंड इस रोम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, एंड यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रोम है ये मी अटोल डिवाइसेस के लिए है। तो आप रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9S, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स एंड पोको M2 प्रो, इन चारों डिवाइसों में इस रोम को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो अभी देख सकते हो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 865 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। 120 हर्ट्ज़ AMOLED डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस ने 1+8 एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें जो है 11 देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो है कर्नल आप देख सकते हो पोसीट्रॉन बीटा करके आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। सिक्योरिटी पैच भी आपको ठीक ठाक अभी देखने को मिल जाती है गाइस। एंड यहाँ पर देख सकते हो और भी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो इसकी सेटिंग्स जो है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ क्योंकि बहुत ही साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो हॉटस्पॉट है, अभी देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे डार्क मोड की अगर बात करूँ तो देख सकते हो डार्क मोड भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड डार्क मोड पे करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो टाइल अलग अलग बन के आ रहे हैं वन UI की तरह, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से जो है टैब में जो बन के आते हैं। रीडिंग मोड की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर आपको क्रोमैटिक इफेक्ट, मोनो इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। पेंसिल के आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसको आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली, इसमें ये रोम बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है गाइज़, मुझे पता नहीं है क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो वहाँ पर ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं तो आपको देख सकते हो यहाँ पर एडाप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है स्लीप का टाइम में। एडवांस में जाओगे तो देख सकते हो रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है 90 Hz से 60 Hz। एंड यहाँ पर स्क्रीन कैलिब्रेशन, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। विजन कंफर्ट में जाओगे तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। रीडिंग मोड अच्छे से काम कर रहा है, डार्क मोड मैंने आपको दिखा दिया। वाइब्रेंट कलर इफेक्ट है तो इसको यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे ये AMOLED डिस्प्ले में ही काम करता है तो ऑन करने से कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन में जाओगे देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है साइबर पंक का थीम देखने को मिल जाता है, जो कि इन्होंने मैन्युअली ऐड किया है, काफ़ी अच्छा है देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। कोई भी चीज़ पे ऑन करोगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से येलो येलो आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे कैनवा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी भी फ़ोटो को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो वो उसी तरीके से हो जाता है। जैसे मैं मान लो इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अभी देख सकते हो यहाँ पर ये जो है इसको इस तरीके से है। इसको प्रीव्यू में करता हूँ तो अभी देखना कि ये पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ़ोन का कर रहा हूँ बट यहाँ पे फेस का ज़्यादा अच्छा जो है इस तरीके से डिटेक्ट करता है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो फ़ोटो था फ़ोन वाला, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो ये वाला फ़ोटो था देख सकते हो, ये मेरा फ़ोन का फ़ोटो है, मैंने हाथ में लिया हुआ है। एंड यहाँ पे इसका प्रीव्यू करोगे तो कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले क्लॉक जाओगे तो क्लॉक देख सकते हो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यार अपने हिसाब से आप ये क्लॉक चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन तो ये तो यूज़ कर नहीं पाओगे। हैरिजन लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एक्सेंट कलर में जाओगे तो सारे एक्सेंट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक अभी तो इस तरीके से ये कलर लगा हुआ है तो अगर आपको ये पिंक करना है तो आप पिंक कर सकते हो, देख सकते हो पिंक कर दिया मैंने। एंड यहाँ पर ये कलर चेंज हो जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सिस्टम आइकन में जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आइकन शेप आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आइकन पैक में जाओगे तो आइकन पैक में आपको हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो दोनों में से जो भी करना है कर सकते हो। मुझे हाइड्रोजन वाला काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये वाला भी कोई बेकार नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से आप इसको जो है यूज़ कर पाओगे। एंड और भी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फॉन्ट में जाओगे तो दो ही फॉन्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है गाइस।
एंड यहाँ पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाओगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एंड साउंड की क्वालिटी यार नेक्स्ट लेवल की आ रही है इस रूम में, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है, टच वाइब्रेशन भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बटन्स में जाओगे एंड यहाँ पर नेविगेशन बार में जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे अपने हिसाब से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फेस अनलॉक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि यहाँ पे ये आपको जो फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा है यहाँ पे गाइस। प्राइवेसी में जाओगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बैटरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई खास बैटरी बैकअप इसमें नहीं मिला है, बट हाँ आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा बैटरी बैकअप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हीट की वजह से बैटरी और ज़्यादा खा रहा है ये, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है यूटिलिटीज़ में जाओगे तो पैरेलल ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप किसी भी ऐप को डुअल ऐप कर सकते हो। ऐप लॉकर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिस्टम में जाओगे तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ करके एंड यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे और भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर अभी मैं इसको लॉक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर ये वॉलपेपर का एनिमेशन, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसको आप जो है चेंज भी कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है इसमें इस तरीके से आओगे तो यहाँ से अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक नया अपडेट है, ये वन प्लस का लेटेस्ट लॉन्चर है, तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट इसमें कैलकुलेटर भी, इसको एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो लिखा एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 5 मैं करूँगा, सॉरी यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है 5, तो देख सकते हो यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया 7। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई भी अगर करते हो, जैसे हैस्ट्रिक यहाँ पे 2 कर दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो है यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से इस लॉन्चर को जो है आप एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको जी एप सारे देखने को मिल जाएंगे, प्ले स्टोर इसमें देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वोल्टी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वोल्टी कॉल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें दिक्कत कोई भी नहीं है, देख सकते हो इस तरीके से इसका कॉल UI आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ अगर AnTuTu बेंचमार्क की, तो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला इस रूम में, OnePlus Nord से भी अच्छा है, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा AnTuTu बेंचमार्क यहाँ पर आया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ वाइड वाइन L1 की, तो देख सकते हो यहाँ पर वाइड वाइन L1 अच्छे तरीके से जो है सपोर्ट कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी लेवल L1 देख सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। कैमरे की अगर बात करूँ तो OnePlus का कैमरा काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको जो है काम करते हुए नहीं मिलेंगे। वैसे आप देख सकते हो मैक्सिमम फीचर्स यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है चलते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली आप लोग को, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ भी कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना गाइज, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। एंड यहाँ पर वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना, यहाँ पे लाइक कर देना, ठीक है गाइज। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय गाइज।